नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवा 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवा 2 में 6.82 इंच जबकि नोट 10 प्रो में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवा 2 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवा 2 में 3.1 इंच जबकि नोट 10 प्रो में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो पोवा 2 में 0.38 इंच जबकि नोट 10 प्रो में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही पोवा 2 में 20:9 जबकि नोट 10 प्रो में 20:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवा 2 में 84.23% जबकि नोट 10 प्रो में 84.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवा 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 10 प्रो की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवा 2 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोट 10 प्रो की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवा 2 में माली G52MC2 जबकि नोट 10 प्रो में माली G76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवा 2 में मीडियाटेक हीलियो G85 और नोट 10 प्रो में मीडियाटेक हीलियो G95 मिलता है। बात करें रैम की तो पोवा 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है, जबकि नोट 10 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवा 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि नोट 10 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवा 2 में 7000mAh जबकि नोट 10 प्रो में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवा 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,999 में मिलता है। और बात करें नोट 10 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹16,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवा 2 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 10 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 10 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco M2 है जो कि 9,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 Pro 5G है जो कि 15,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।